फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। मिस्टर सोलंकी, क्या आपका भी यही मानना है? हाँ बिल्कुल। आपने अपनी जो ये योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा। सर, आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं और आप ऐसी मांगे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी ये इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हों? मैं अकेला ही। और कोई सवाल जेंटलमैन? थैंक यू डॉक्टर अम्बेडकर, मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर एटली। ब्रिटिशों के हद तक अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो लोग देश की आजादी के लिए शोर मचा रहे हैं उनका व्यवहार बिल्कुल असंगत है? हाँ बिल्कुल, उन लोगों ने साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों और ब्रिटेन में बसे भारतीय विद्यार्थियों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ तो जोरदार विरोध प्रकट किया, मगर साथ ही अपने देशवासियों और धर्म भाइयों को मानव अधिकारों से वंचित रखा। ये व्यवहार असंगत, खुदगर्जी भरा हुआ और बेशर्मी का है। इसलिए मेरा संपादकीय कहता है कि हमें पूरी ताकत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि ये पता चल जाए सवर्णों को कि छुआछूत का पालन करना उतना ही खतरनाक है जितना जबान पर दहकता हुआ कोयला रखना। सभी अछूत नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और अगर किसी ने रोका तो हम सत्याग्रह करेंगे। नायक, अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार पाना अधिक महत्व रखता है न कि मंदिर में प्रवेश करना। हम चाहते हैं आप आंदोलन के नेता बने, बाकी सारी जिम्मेवारी हम उठा लेंगे। ठीक है भावराव, तो सत्याग्रह के संबंध में एक नोटिस कालाराम मंदिर के ट्रस्टीज को भेज दीजिए। हम समाचार पत्र द्वारा अस्पृश्यों को उत्तर दे रहे हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सेवा में श्री नारायण गाड़गे संपादक कोहिनूर, श्री काराराम मंदिर पंचवटी के न्यासी मंदिर के मालिक नहीं है, उन्हें मंदिर की परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। मंदिर की स्थापना से ही हमारे पूर्वज यहाँ के पुजारी नियुक्त किए गए थे और हम इस परंपरा का प्रामाणिकता से पालन कर रहे हैं। हम पुजारी इस मंदिर की सर्वोच्च शक्ति है। अगर न्यासियों ने अपने अधिकारों का उपयोग मंदिर की पवित्रता भंग कर अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए किया तो हम तीव्र विरोध करेंगे। चलो जल्दी बाहर निकलो, मंदिर के चारों दरवाजे बंद करो। Yeah.
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश से मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें किसी भी कीमत पर मंदिर में प्रवेश और भगवान की पूजा का अधिकार स्थापित करना है। मैं समझता हूँ इसके लिए सत्याग्रह के सिवा कोई रास्ता नहीं। भवराव, लोगों को चारों द्वारों पर तैनात कीजिए, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। द्वार खुलते ही सबसे पहले प्रवेश करने वाले हम लोग होंगे। डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि द्वार पर इकट्ठा होकर लोगों को अंदर न जाने देना एक जुर्म है? हाँ है मिस्टर गॉर्डन, मैं जानता हूँ। अगर मैं इंडियन पिनल कोड की धारा 144 लागू कर दूं तो आपके सिर्फ चार लोग ही रह पाएंगे। इसके बावजूद भी हम लोग अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करेंगे। गाली छेड़ूं ना पत्ता छेड़ूं ना कोई जीव सताऊं, पास पास में प्रभु बसत है पाही शीश नवाऊं। रथ यात्रा के संबंध में आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं? हम अछूत भगवान का रथ खींचने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे और रथ में रखी हुई मूर्ति की पूजा करेंगे, यही तो परंपरा रहेगी। सवर्ण हिंदू मंदिर के मुख्य द्वार तक रथ खींच कर लाएंगे। द्वार से 10 फीट के बाद वो लोग रथ छोड़ देंगे और फिर उसके बाद आपके लोग रथ की रस्सी को खींचेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर। और शरंग चढ़ाऊं, हमें 50 लोग चुनने हैं उस रथ को खींचने के, लेकिन 5,000 लोगों में से 50 कैसे चुने? उन्हें चुनिए जो भारी भरकम और तगड़े हों। बात सुनो नाइक, जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई और पुलिस को हटाने की धमकी से हमारे सामने अब ये साफ है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों में सरकार की कोई रुचि नहीं है। ऐसी सरकार किसी के काम की नहीं है। मैं नासिक के मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों से सहमत हूँ। इस मामले में अपना बयान मैं सरकार को पहले ही लिखकर भेज चुका हूँ, जो कि सही है। डॉक्टर साहब कहिए, वॉचमैन साहब ने भेजा। धन्यवाद। ओ, ये तो निमंत्रण पत्र है लंदन में होने वाली गोलमेज परिषद के लिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभिनंदन। धन्यवाद। प्रिय चित्रे, कांग्रेस और मिस्टर गांधी ने गोलमेज परिषद का बहिष्कार किया है। कांग्रेसी उनसे नफरत करते हैं और गालियां देते हैं जो परिषद में शामिल होने जा रहे हैं।
लेकिन इसके बावजूद मैं वही मांग करूंगा जो मेरे लोगों का अधिकार है। मैं निश्चित ही स्वराज की मांग उठाऊंगा। कमेटी के प्रतिनिधियों का चुनाव और प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप। मिस्टर चेयरमैन और गोलमेज परिषद के आदरणीय सदस्यगण, मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवासन हिंदुस्तान की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान की आबादी का पांचवा हिस्सा है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार कायम की जाए। पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का इस उम्मीद से स्वागत किया था कि वो उन्हें कट्टर सवर्णों के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिटिशों के पहले हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्या आज जा सकते हैं? ब्रिटिशों के पहले अछूत पुलिस और सेना दल में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्या वो अवसर अब है हमारे लिए? हमारे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं और टीस दे रहे हैं, हालांकि ब्रिटिश शासन के 150 साल बीत चुके हैं। हिंदू उन पर हक जमाते हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, और मुसलमान उनके अलग अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको डर है शायद कि एक प्रतिद्वंद्वी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती। आज देश का जो तेवर है उसमें ऐसा कोई भी संविधान कारगर नहीं होगा जो देश की आबादी के बड़े हिस्से को मंजूर ना हो। वो वक्त जब फैसला ब्रिटिश करते थे और हिंदुस्तान मंजूर करता था बीत चुका है, तभी न लौटने की। डॉक्टर अंबेडकर, आज तुम झाषण देने का आपका तरीका कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा था। मैंने तो वही कहा जो सच्चाई है। बेटे मुझे तुम पर बहुत नाज है। मुझे याद है जब पहली बार हम मिले थे, लगता है जैसे कल ही की बात। मैं चलता हूँ। अच्छा गुड बाय। सर जब बात चली रही है तो मैं आपके कर्ज के बारे में। कैसा कर्ज? मेरी पढ़ाई के लिए। ओह, वो स्कॉलरशिप था। डॉक्टर अम्बेडकर आप बहुत अच्छा बोले। थैंक यू। जी हाँ, मैं भी यही समझा था, लेकिन पिछले 6 साल से दीवान जी लगातार चिट्ठियाँ लिखकर वो कर्ज वापस करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज को भी चिट्ठी लिख दी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ये उसका पागलपन है। मैं माफी चाहता हूँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। थैंक यू मुझसे बात करने का। माय प्लेजर। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपके आंदोलन को काफी समय से देखती आ रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने गोलमेज सभा का बहिष्कार किया लेकिन आप उसमें शामिल हुए। फिर भी हाल ही में आपने बचाव किया उन 47 कांग्रेसी सत्याग्रहियों का जो चिरनेर फायरिंग केस में शामिल थे। क्या ये अंतर विरोधी नहीं? मिस रोजा एपस्टाइन। हाँ, मिस एपस्टाइन, मेरी स्थिति बिल्कुल अंतर विरोधी नहीं है। मैंने कुछ सिद्धांतों की वजह से ये केस हाथ में लिया। मैं कांग्रेस से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है। लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता सरकार के टिकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन खुद गांधी जी ने बुलावा किया। जाहिर है भेड़ों जैसे हमारे झुंड को अपने साथ शामिल करना होगा। उनके असर से बचे रहना, वो भगवान नहीं है। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते बापू जी, छत पर हैं। नमस्ते। आइए। नमस्ते। कहाँ तक सीखा चरखा चलाना मेरा बहन? मैं कोशिश कर रही हूँ बापू। गुड, तुम बिल्कुल सही कात रही हो। ध्यान दोगी, लगन के साथ करोगी
तो एक दिन तुम निपुण हो जाओगी। बिल्कुल सही, गुड गुड, दैट इज राइट। बापू जी, डॉक्टर आंबेडकर आ गया जी। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर आंबेडकर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? गांधी जी, आपने ही मुझे चिट्ठी भेजकर बुलाया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। पता चला है कि आपको शिकायत है मुझसे और कांग्रेस से। मैं आपको बता दूं, अछूतों की समस्या को लेकर मैं चिंतित रहा हूँ मेरे बचपन से, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। मेरे प्रयासों से ये बात कांग्रेस के मंच पर भी उठाई गई, और यही नहीं, हमने 20 लाख रुपए भी दिए हैं अछूतों के जीवन सुधार के लिए। आश्चर्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति कैसे विरोध कर सकता है मेरा और कांग्रेस का। असल में कांग्रेस ने इस समस्या को समझने का सिर्फ दिखावा किया है, दाम्भिकता भरे झूठे और खोखले आश्वासन देकर। आपने कहा कि कांग्रेस ने 20 लाख खर्च की, मैं कहता हूं कि व्यर्थ खर्च की। अगर कांग्रेस अपना दायित्व समझती है तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त होनी चाहिए छुआछूत ना मानना, ना कि खादी पहनना। आप कहते हैं कि ब्रिटिशों के मन में हमारे लिए कोई बदलाव नहीं आया, मैं ये पूछता हूं कि हिंदुओं के मन में भी कहां बदलाव आया है हमारे लिए। जब तक वो अड़ियल बने रहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हिंदुओं पर, कांग्रेस पर या किसी महात्मा पर। इतिहास साक्षी है कि महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं जो धूल तोड़ाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं करते। गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं। लेकिन ये सारा देश आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अंबेडकर। और जहां तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा, उससे यह साबित होता है कि आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हो। इसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूँ जहाँ कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है हमारे साथ। हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान न रह पाए तो दोष इस मिट्टी का होगा, न कि हमारा। कांग्रेसियों ने हमारे आंदोलन का विरोध किया, देशद्रोही कहा, और आप मुझे देशभक्त कह रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने लोगों के बुनियादी हकों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं, इस भूमि को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। आप मुझे देशद्रोही कहें या देशभक्त, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं। तो आपकी हमसे क्या अपेक्षा है डॉक्टर? आपने मुसलमानों और सिखों को राजनीतिक अधिकार देने की बात मान ली जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूतों से ज्यादा आत्मनिर्भर है। गोलमेज परिषद ने अछूतों के लिए इसी तरह के राजनीतिक अधिकारों की सिफारिश की है, आपका क्या विचार है? मैं राजनीतिक आधार पर हिंदुओं और अछूतों में बंटवारे के खिलाफ हूँ, ये सरासर आत्मघाती निर्णय होगा। आपके स्पष्ट मत के लिए आभारी हूँ। हमें पता चल गया कि इस संघर्ष में हम लोग कहाँ खड़े हैं। अब मैं इजाजत चाहूंगा गांधी जी। इतना असह्यम महादेव भाई जी। बापू, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी कोई मातृभूमि नहीं? शायद महार होने के नाते ऐसा सोचते हो। डॉक्टर अंबेडकर क्या महार है? सारी दुनिया जानती है बापू, सारी दुनिया जानती होगी पर मैं नहीं। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया उनके बारे में? मुझे लगा वे तो पुरोगामी ब्राह्मण हैं पूना के। मिस्टर गांधी आज गोलमेज परिषद में हिस्सा लेने के लिए लंदन रवाना हो गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस परिषद के सदस्य ब्रिटिश सरकार के चुने हुए हैं, ना कि हिंदुस्तानी जनता के। मिस्टर गांधी के प्रतिनिधि बनने से हमारे दावे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहली जरूरत है पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सत्ता से लैस करना, वही एक रास्ता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि शिक्षा से दलितों की स्थिति में सुधार होगा? लगता है आप गांधी जी से मिलकर आए हैं। हम लोगों में से सबसे ज्यादा शिक्षित मैं हूँ, फिर भी समाज मेरे साथ अछूतों जैसा ही बर्ताव करता। आप क्या मांगे रखने वाले हैं?
हम स्पष्ट विभाजन चाहते हैं हमारे और सवर्णों के बीच। आप ये सब कैसे करना चाहेंगे? हिंदुस्तान के भावी संविधान में पिछड़ी जातियों को ऐसा मूल अधिकार दिया जाए जिसके तहत छुआछूत कानूनन जुर्म हो और दोषी सजा का हकदार। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर, मिस्टर गांधी ने कहा है कि स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम गंभीर होगा और जो अछूत है वो फिर भी अछूत ही रह जाएंगे। उन्हें कहने दीजिए। आप 2000 साल से बह रही धारा को रोककर उसे विरुद्ध दिशा में नहीं बहा सकते। दमन करने वाले कभी मसीहा नहीं बन सकते। हम राजनीतिक सत्ता चाहते हैं, न कि सिर्फ खूबसूरत शब्द, अच्छे इरादे या दान। एक एक और प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैं जानता हूं प्रतिनिधियों के दिमाग में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का प्रश्न। हम राजी हैं मुसलमानों और सिखों को विशेष स्थान देकर समझौता करने के लिए, अर्थात इसके कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं। लेकिन जहां तक अछूतों का सवाल है, मैं और कांग्रेस दोनों विरुद्ध हैं उन्हें खास प्रतिनिधित्व देने के मामले में। अछूत हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। हमारे खिलाफ लड़ाई का बिल्कुल बच गया। भीम, क्या हुआ? उन्होंने अल्पसंख्यक कमेटी को स्थगित कर दिया है। मैंने सुना है कि वो मुसलमानों के साथ एक सौदा करने वाले हैं। सौदा किस तरह का? कांग्रेस मुसलमानों की 14 मांगे मान लेगी अगर मुसलमान हमारा विरोध करे तो। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो इतने बड़े संत माने जाते हैं, वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। संत? वो एक मंझे हुए राजनेता है पैनी, कोई रास्ता नहीं बचता। तो मिस्टर गांधी फिर षड्यंत्र करते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ ये घोषणा करनी पड़ रही है कि हम सांप्रदायिकता के प्रश्न पर आपसी बातचीत के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल रहे हैं। ये असफलता कमेटी के गठन में ही छिपी थी, जिसके सदस्य सरकार के प्रतिनिधि तो हैं मगर जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें अछूत भी शामिल है। और मिस्टर चेयरमैन सर, मुझे इस बात में जरा सा भी शक नहीं है कि अपने समुदाय का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, पर महात्मा जी का दावा है कि कांग्रेस मुझसे ज्यादा अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये उन तमाम झूठे बयानों में से एक है जो गैर जिम्मेदार लोग अक्सर देते रहते हैं। ऐसे टेलीग्राम पिछड़ी जातियों के लोग मेरे पास देश के कोने कोने से भेज रहे हैं। उनका कांग्रेस के आंदोलन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के तरीके का विरोध करते हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कि अछूत वर्ग हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन अगर यह हस्तांतरण होता है तो सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में, विशिष्ट वर्गों में या किसी खास दल के कब्जे में नहीं होनी चाहिए। उस सत्ता में सारे समुदायों की सही साझेदारी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि छुआछूत अब बिल्कुल खत्म होने वाली है और स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने से ये कलंक बना रहेगा। मैं हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर यह समझाना चाहूंगा अछूतों को कि छुआछूत हटाने का ये तरीका नहीं है। मेरे लिए तो छुआछूत जिंदा रहने से बेहतर है हिंदू धर्म की मौत। मैं बड़ी इज्जत करता हूं डॉक्टर अंबेडकर की, पर ऐसा लगता है कि जिस भयानक अन्याय की चक्की में वे पिस चुके हैं और संभवतः जिन कटु अनुभवों से वे गुजरे हैं उनके कारण वे गुमराह हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का यह दावा कि वे समस्त अछूतों की वकालत करते हैं बिल्कुल उचित नहीं है। मैं ये विनयता से कहता हूं
कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ हिंदुस्तान के समस्त अछूतों का, अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की। जो लोग बातें करते हैं अपने हिंदुस्तान को कतई नहीं जानते, प्राणों की बाजी लगाकर इस तरह के राजनीतिक बंटवारे का मैं विरोध करूंगा। ये सरकार जातियों के आपसी मतभेदों को संविधान बनाने के काम में रुकावट नहीं डालने देगी। इसलिए जातियों के आपसी मतभेदों को आप कभी भी ज्यादा अहमियत ना दें। मैकडोनल्ड के अलग चुनाव क्षेत्र की बात गांधी जी ने तो कभी मानी नहीं, लेकिन मुसलमान, सिख और ईसाइयों को तो अलग चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं, वो उसका विरोध क्यों नहीं करते? सिर्फ हमें ही परे रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो? महात्मा जी के तरीकों की गहराई को समझना हम सामान्य जनों के बस में का, लेकिन महात्मा भी कोई अमर व्यक्ति नहीं है, ना ही कांग्रेस। महात्मा जी का विरोध करने के बजाय आप ये क्यों नहीं मान लेते कि वो छुआछूत दूर करने की बात को गंभीरता से ले रहे हैं? बहुत सारे महात्मा हिंदुस्तान में आए जिनका उद्देश्य छुआछूत दूर करना तो था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। महात्मा आए और महात्मा चले गए, लेकिन अछूत फिर भी अछूत ही रह गए। अम्बेडकर बापूजी को बचाओ, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर बापूजी को बचाओ, डॉक्टर अम्बेडकर बापूजी को बचाओ, लोग मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते? बहुत काम करना है मुझे। वहाँ गांधी जी खतरे में है और ये यहाँ शांति से जीना चाहते हैं। आप जाकर क्यों नहीं मिलते महात्मा जी से पूना में? आखिर क्यों, मैं जो चाहता हूँ मैंने बता दिया, मुझे काम करने दीजिए। कल सुबह मुझे कोर्ट जाना है एक केस के लिए। क्या पैसा कमाना तुम्हारे लिए गांधी जी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? मैडम परीन और मिस्टर ठक्कर, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आपके नेताओं को रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं होती होगी। अगर मैं काम नहीं करूं तो खाओ क्या, मेरा परिवार भूखों मरेगा। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर, दुनिया भर से हमें तार मिल रहे हैं जिनमें गांधी जी की जिंदगी बचाने की प्रार्थना की गई है। महात्मा जी को बचाना ही चाहिए, लेकिन हमारे हकों के सामने आप गांधी जी की जिंदगी का प्रश्न आखिर क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप चाहे तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन अपने लोगों के हकों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा सिर्फ गांधी जी की जिंदगी बचाने के लिए। आप गांधी जी से विनती करें कि वो अपना उपोषण एक हफ्ता विलंबित करें और फिर हल ढूंढिए इस समस्या का। से बात मनवा लेने के अपने तरीके हैं, हमें भी अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। उपवास शुरू करके उन्होंने तो हमें खलनायक ही बना दिया। कौन है? आपको तो बुखार था, आपको नहीं आना चाहिए था। उन्होंने अपना खाना बिना छुए भेज दिया। मुझे पता है वो बीमार थे, इंग्लैंड में जा। बैठो। क्यों अपने आप को मारने पर तुली हुई हो? और भी बहुत सी परेशानियां हैं मुझे। खाएंगे नहीं। देवा, करीब 12 बजने को है, उपवास सब शुरू होगा। मल्लम भाई, मेरी ईश्वर के साथ लड़ाई शुरू होती है। आपके आराम करने से पहले बाबू, पत्रकार आपसे मिलना चाहते हैं। रमा, अरे आप लेटे रहो, लेटे रहो, आराम करो। आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं नहीं रमा, तुम मत उठो, मैं खाना लाती हूँ। लेटे रहो।
दवाई तो ले रही हो ना? क्यों लड़ रहा है आप गांधी बाबा से? ये तो मेरे भाग्य में है, ना लड़ो तो हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। पैनल, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर से पहले मिलना चाहूंगा। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। चलिए। इंसाफी कर रहा है हमारे साथ। यह तो मेरी मजबूरी है, आपका क्या सुझाव? मुआवजा, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग छोड़ने का। मैं समझ गया, आरक्षित सीटें, पर उनकी संख्या में समझौता होना चाहिए। मेरी बात सुनो अंबेडकर, मैं सदैव आपके साथ हूं। आप अछूत हो जन्म से, मैंने खुद को अछूत मानना अपना लिया है। आप मुझे बचाना चाहते हैं, मैं जानता हूं। जी गांधी जी, मैं अलग चुनाव क्षेत्र की बात पर अड़ नहीं रहा हूं सिद्धांतों की वजह से। हमारा मानना है कि अल्पसंख्यक विधानमंडल में भेजने के लिए ऐसे लोग छांटे जो सिर्फ नाम के नहीं उनके असली प्रतिनिधि हों। बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा क्यों कि कुछ सीटों के लिए पैनल और कुछ के लिए सीधा चुनाव? इससे तो एक अनैसर्गिक विभाजन हो जाएगा शोषित पीड़ित वर्गों में और आपस में बंटवारा भी। क्यों ना पैनल के द्वारा प्रारंभिक चुनाव करें सभी सीटों के लिए। ठीक है, सभी सीटों के लिए पैनल मंजूर है मुझे। शाबाश, अब पैनल बनाओ पांच का बजाय दो के। मैं आपको वचन देता हूं अंबेडकर, आज से मेरी पूरी जिंदगी इस देश से छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए ही अर्पित होगी। अब बाकी बातें विस्तार से इन साथियों के साथ। मैंने अपने बाकी साथियों से बात की है। प्रांतीय सभा के लिए वो लोग 126 से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग 197 सीटों की मांग पर अडिग हैं। इस तरह जान खतरे में डालना ठीक नहीं है।
हम सहमत हैं 148 सीटें देने के लिए और हिंदू सीटों में से 10% सेंट्रल असेंबली में। लेकिन प्राथमिक चुनाव की व्यवस्था 10 साल के अंत में खत्म होनी चाहिए और आरक्षित सीटों का सवाल अगले 15 साल तक जनमत से तय किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, सुरक्षित सीटों और अलगाव का पाप बढ़कर महापाप हो जाएगा अगर हम उसे खत्म करने का जिम्मा पीड़ित वर्ग की मर्जी पर छोड़ दें। और जनमत संग्रह के लिए 15 साल का समय मांग रहे हैं आप? मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि अगले 20 सालों में छुआछूत की प्रथा नहीं रहेगी, लेकिन जब सवर्णों को डेमोक्लेस की तलवार का सामना करना पड़ेगा तभी उनका अछूतों के प्रति अमानवीय व्यवहार बदल पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, आप समझते क्यों नहीं, गांधी जी की जिंदगी खतरे में है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? ओ, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं किसी को साफ करने के लिए कह दूंगा। देवदास, बापूजी कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा हालत गंभीर है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ओ, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वे बहुत कमजोर हो गए हैं। आपने सुना देवदास क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर, मान जाइए, मान जाइए, जनमत की बात को ना उठाइए, मान जाइए। मैंने इनकी बहुत सारी बातें मान ली है बापूजी। 197 से 150 सीटों पर आ गया, केंद्रीय विधानमंडल में 18% और पैनल में 4। मैं मानता हूं कि इस वजह से छुआछूत की प्रथा 15 या 20 सालों में गायब नहीं हो जाएगी। मेरा प्रस्ताव है कि इस मसले पर 10 सालों में पीड़ित वर्गों का मत संग्रह करा लिया जाए, लेकिन ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको मतलब इससे सवर्णों की धीरज की अग्नि परीक्षा हो जाएगी? विचार बुरा नहीं, पर इतना इंतजार क्यों करें? क्यों न 5 साल में? सवर्णों के अछूतों पर सदियों से किए हुए अत्याचारों के खिलाफ अछूतों के अंदर जो पीड़ा और नाराजगी है, क्या उसे बयान करने की जरूरत है? तब भी आप सोचते हैं बापूजी कि 5 साल? जानता हूं आपको हक है अपने बचाव की मांगे करने का, पर अपनी इस मृत्युशैया पर लेते हुए मैं आपसे उदारता की अपेक्षा रखता हूं, थोड़ी मोहलत मांगता हूं सवर्णों के लिए। उनका ईमान सब जागने लगा है अंबेडकर, कानूनी उपाय करेंगे इस वक्त तो फिर हृदय परिवर्तन और आत्मशुद्धि के इस कार्य में विलंब हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, ठीक है, जन्म, लेकिन 5 साल के अंदर। पांच साल या मेरी जिंदगी। डॉक्टर अंबेडकर, हमें अब चलना चाहिए। मिस्टर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच लंबे समय से चला आ रहा आमना सामना आज आखिर पूना करार के रूप में खत्म हो गया। डॉक्टर ने इस पर जनमत संग्रह की शर्त के बिना दस्तखत करना कबूल कर लिया है। इस समझौते पे डॉक्टर अंबेडकर और पंडित मालवीय दस्तखत करेंगे, इससे गांधी जी का दीर्घ कुपोषण भी समाप्त हो जाएगा।
डॉक्टर अंबेडकर, एक बार फिर लोगों के मन में आप गुस्से की वजह बन गए। मैं क्या कहूँ मिस एपस्टाइन, ये मेरा दुर्भाग्य है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज देश के हिंदुओं के दिल में सबसे ज्यादा नफरत मेरे लिए है। मुझे देशद्रोही करार दिया गया, नाशक ठहराया गया, हिंदुत्व का, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया। लेकिन जब ये धुआं हट जाएगा और जब इतिहासकार निष्पक्ष होकर मेरी जिंदगी का वापस लेखा जोखा करेंगे, तब उन्हें जाकर मेरी देशभक्ति का एहसास होगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो मैं परवाह नहीं करता। मैं जानता हूँ कि पीड़ित वर्गों का मेरे काम में असीम विश्वास है। ये पक्का है कि मैं उनके दिल में हमेशा बसा रहूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपका और आपके साथियों का समर्थन चाहता हूँ सुब्बरायन और अय्यंगार मंदिर प्रवेश के पिल पर। मान लीजिए मैं मंदिर प्रवेश बिल को स्वीकार कर लूं, लेकिन चातुर्वर्ण और जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करूं, आप कौन सा पक्ष लेंगे? और अगर मैं चातुर्वर्ण को स्वीकार कर लूं, तो आपकी उसको लेकर क्या व्याख्या होगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या इसका उल्टा, सबसे ऊपर शूद्र? डॉक्टर अंबेडकर, मैं एक हिंदू हूं इसलिए नहीं कि मैंने हिंदू के घर जन्म लिया, बल्कि इसलिए ये मेरी इच्छा है और विश्वास है। कोई ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है हिंदू धर्म में जिसका मैं आचरण करता हूं। लेकिन अगर आपका झगड़ा वर्ण व्यवस्था से है, तो फिर मैं नहीं हूं आपके पक्ष में, क्योंकि मेरी यह दृढ़ आस्था है कि वर्णाश्रम हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब मैं भी आपके पक्ष में नहीं हूं। बापू, हमारी मुक्ति राजनीतिक सत्ता पाने पर होगी, न कि तीर्थ यात्रा या फिर उपवास करने से। इजाजत चाहूंगा। वैसे मैं एक राय दूं, हमेशा इस उपवास रूपी हथियार का इस्तेमाल ना करें। आपकी जिंदगी कीमती है, देश को जरूरत है आपकी। जानती हूँ आपको किताबों से लगाव है, लेकिन ये तो हद है। आपने किताबों के लिए घर बनवाया है? अगले सप्ताह मुझे फिर लंदन जाना है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए। अगली बार मैं इलाज के लिए तुम्हें अमेरिका ले चलूंगा। नहीं, यह ठीक होगा। अमेरिका और इंग्लैंड नहीं, पंढरपुर। मैं पंढरपुर के विठोबा के सामने सिर नवाना चाहती हूँ। मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। भगवान विठोबा निजी जाति के लोगों को दर्शन नहीं देता, ऐसे भगवान के पास क्यों जाएं, जो कि हमें आशीर्वाद भी नहीं देना चाहता। नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए आप लड़े थे। हाँ, लेकिन वो लड़ाई हमारे हकों की थी, भगवान के दर्शन के लिए नहीं। अगर वो हमें हिंदू मानते हैं, तो भगवान के दर्शन पर भी हमारा हक होना चाहिए। मैं और अछूतों की तरह दूर से दर्शन कर लूंगी। नहीं नहीं रामा, नहीं। समझने की कोशिश करो रामा, जो भक्तों के बीच भेदभाव करे वो भगवान भगवान नहीं पत्थर है। हमारा भगवान हमारे हृदय में है। उस भगवान के पास जाकर हमें अपने आप को छोटा नहीं करना चाहिए, जिसे हमारी परवाह नहीं। अपने पंडरपुर हम खुद बनाएंगे रामू। प्रिय भावराव, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में मैं सिलेबस में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य और अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच फंस गया हूँ। मुझे रमा की सेहत की चिंता है, पिछले कई दिनों से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। बहुत कोशिश की मैंने रमा। पी लो इसे, अच्छी हो जाओगी। नहीं, जल्दी से अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया है रमा। मैं खुश हूँ, मैं शांति से मरूंगी। मैं मरने से नहीं डरती। मैंने कई मृत्यु देखे, मेरी माँ पिता आपके माता पिता चाचा आपके भाई हमारे चार बच्चे गंगाधर हिंदू राजरत्न इन सबको मारते देखा है मैंने। साहब बारिश हो रही है, निराश मत होना, लड़ते रहना। गंगा यशवंत, रमा बाबा साहब, हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अब चलें। उसकी आखिरी इच्छा सफेद साड़ी पहनने की थी। बाबा साहब, तथा तो हरी साड़ी पहनने की है। हाँ, गांव के 400 अछूत मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें रोकिए, मैं एक जरूरी घोषणा करने जा रहा हूं योला परिषद में। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें।
जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ, इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मैं आपको अमेरिका से आए डॉक्टर हेनरी क्रेन से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो डॉक्टर क्रेन। हेलो। ये आपके धर्म परिवर्तन आंदोलन का जायजा लेने आए हैं और मिस्टर गांधी से वर्धा में पहले मिल चुके हैं। हाँ डॉक्टर आम्बेडकर, इस मामले में मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ईसाई धर्म के पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो सारे ईसाई देश आपके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर को उठाने में मदद करेंगे। और मैं सोचती हूँ किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। डॉक्टर आम्बेडकर, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि धरती के उत्तराधिकारी गरीब ही होंगे। वैसे आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं मिस ड्रेशर? द होली बाइबल ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, पर कौन सा एडिशन? आधुनिक संस्करण, किंग जेम्स संस्करण या उसके भी पहले एलिजाबेथ के जमाने की? मिस ड्रेशर, क्या आपने कभी कमेंट्रीज ऑन द बाइबल पढ़ी है, कुक की लिखी? उसमें बाइबल का अच्छा विश्लेषण है। हाँ वो भी पढ़िएगा, लाइफ ऑफ जीसस रना के लिखी हुई, और खलील जिब्रान की जीसस द सन ऑफ मैन। इन सब किताबों में आपको क्रिश्चियन धर्म के अलग अलग पहलू नजर आएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर, हम आपको पूना के मेथोडिस्ट चर्च के मिशन में और वार्षिक समारोह में शामिल होने का हार्दिक आमंत्रण देते हैं। कोशिश करूंगा। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी मिलेगी, सियासी, मुआशरती, इक्तसादी और मजहबी हक भी मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं बाबा साहब, हमारा धर्म एक ही भगवान में विश्वास करता है एक कंकार, और सारे अनुयायियों को एक ही नजर से देखता है। पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन के मामले में ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। महाबोधि सोसाइटी से ये टेलीग्राम आया है। डॉक्टर अंबेडकर, आप और आपके साथियों का बुद्ध धर्म स्वीकारने के लिए हार्दिक स्वागत, जो कि आशिया के बड़े भाग में फैला है। धर्म परिवर्तन करने वालों को हम समान अधिकार देंगे। हम लोगों में किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे, हमें सूचना भिजवाइए। लगता है कांग्रेस और सरदार आपको इस चुनाव में बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने सरदार पटेल का वक्तव्य नहीं पढ़ा? हम धर्म बदलेंगे तो सांप्रदायिक समझौते में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए डॉक्टर, मैं यहाँ आपके एक मित्र के नाते नहीं आया। मैं आपके सामने हूँ एक अधिकृत प्रतिनिधि हिंदू महासभा का। हम जानते हैं आपका दृष्टिकोण और आपकी देशभक्ति। हम जानते हैं आप कभी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाएंगे। नहीं, पर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? मेरी देशभक्ति को आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, और मैं इस देश के इतिहास और संस्कृति को आपसे बेहतर जानता हूँ। मेरा मानना है कि हमारे इन दो धर्मों को अपनाने से राजनीतिक और सांस्कृतिक समीकरणों में बुनियादी फेरबदल आ जाएगी डॉक्टर मंजे। लेकिन इससे हमें क्या मतलब, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? डॉक्टर, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे आपको आरक्षण दिलाने के लिए, भले ही आप सिख धर्म क्यों ना अपना लें। हिंदू महासभा इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध होगी। तुम बहुत चालाक हो बूढ़े ब्राह्मण घुस बैठिए। प्रिय भावराव, क्या तुमने मेरे धर्म परिवर्तन के फैसले पर डॉक्टर मुंजे की परेशानी गौर की? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि धर्म परिवर्तन से हमें क्या फायदा होगा। मेरा उन्हें यह जवाब है
कि जैसे भारत के लिए स्वराज जरूरी है, वैसे ही अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। दोनों का आंतरिक उद्देश्य एक ही है, आजादी की चाह। ये संविधान सभा गंभीरता पूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। संक्षेप में मेरे संशोधन का सुझाव है कि इस प्रस्ताव को पास करने का इरादा थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए, ताकि मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें भी अगर वो चाहे तो इस सभागृह की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको ये बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो मिस्टर जिन्हा, पाकिस्तान के मसले पर आपकी राय नहीं बनती। देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, आपकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में आपने खुद लिखा है कि हिंदू सोचते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का ख्वाब है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि पाकिस्तान एक हकीकत है। नहीं मिस्टर जिन्ना, मैं ये दो राष्ट्रों वाली बातों के खिलाफ हूँ। हमें इस देश में रहकर ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे, अब पाकिस्तान एक सच्चाई है। छूआछूत किसी भी रूप में हो खत्म कर दी गई है। इस कानून के पालन में असमर्थता दिखाना अपराध माना जाएगा। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। आपको कई परेशानियां हैं बाबा साहब? डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस, कई परेशानियां हैं। आपको सावधानी बरतनी होगी बाबा साहब। खैर, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। ओह, मेरी कलीग से मिलिए, डॉक्टर शारदा कबीर। नमस्ते। ये आपको पथ्य और बाकी बातें समझा देंगे। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ मरीजों को देखना है, मैं अभी आया। जी। आपको इंसुलिन का इंजेक्शन हर रोज लेना होगा। संतुलित खाना और कसरत भी उतनी ही जरूरी है। ये तो बहुत मुश्किल है। सब मुमकिन है, अगर आप लंबी उम्र जीना चाहें तो। आपके लोगों को, देश को आपकी जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर आकर आपकी पत्नी को सब समझा दूंगी। मेरी पत्नी को गुजरे 12 साल हो गए हैं डॉक्टर कबीर। I'm sorry। पर कोई तो होगा घर में जो आपकी देखभाल करता हो? नहीं, कोई नहीं। संजोग की बात है कि मिस्टर जयकर ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी चाहती है आप सीट संभालें। आप स्वीकार करेंगे?
20 साल जहर उगलने के बाद कांग्रेस मुझे संविधान सभा का भार सौंपना चाहती है। क्या आपके लोग मुझे चैन से काम करने देंगे? देश आज बहुत ही कठिन परिस्थिति में से गुजर रहा है, उसे आपकी जरूरत है। सारे लोग, यहाँ तक कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ भी नए भारत के निर्माण में सहयोग देंगी। मिस्टर पाटिल, क्या आपने मिस्टर गांधी से राय ली? हाँ, बापू को कोई ऐतराज नहीं, जवाहर ने भी हाँ कह दी और राजेंद्र प्रसाद भी आपके लिए उत्सुक हैं। बहुत खुशी हुई है जानकर। चलिए, आपने भी महसूस किया कि राष्ट्रवादी रहा जा सकता है कांग्रेस में ना रहते हुए भी। आप मंत्रियों की लिस्ट से खुश नहीं है बापू? नमस्ते जी। नमस्ते। कानून मंत्री कौन होगा जवाहर, और संविधान की जिम्मेदारी? संविधान के लिए हम दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। दुनिया भर के, इसलिए तो छोड़ के आए। मेरे ख्याल में स्वतंत्र भारत का संविधान एक शोषित को लिखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, इतिहास ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। लगता है मेरे मरने तक इस खून खराबे का बोझ मेरी आत्मा पर बना रहेगा। खैर, काम की बात करें। आप जानते हैं कि आपको मैंने यहां क्यों बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सरकार में आप शामिल हों। आपको मंजूर है? ये सब इस बात पर निर्भर करेगा जवाहरलाल कि कौन सा विभाग मुझे। कानून? वहां काम तो काफी होगा ना? बहुत है, फिक्र मत कीजिए। कई नए कामों को कानूनी जामा पहनाना है। हाँ, हिंदू कोड बिल जो कि अधूरा पड़ा है, नहीं उसका फैसला भी हमें जल्दी करना है। मैं खुश हूं, हम साथ काम करेंगे। प्रिय भावराव, हिंदुस्तान आज एक आजाद देश है, मगर क्या वो अपनी आजादी सलामत रख पाएगा? क्या अलग अलग और परस्पर विरोधी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान को अपनी अपनी जाति और धर्म से ऊपर रख पाएंगी? हमें अपनी आजादी की रक्षा अपने खून की आखिरी बूंद तक करनी चाहिए। कितनी बढ़ गई है आपकी ब्लड शुगर, अब और मीठा नहीं। चाय कौन बनाता है आपके लिए? वो लोग कोशिश करते हैं। ना ना, ये सब और नहीं चलेगा। कोई फल या चावल बिल्कुल मत खाइए, कम से कम 15 दिन। अगले हफ्ते आपका चेकअप करेंगे। दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग है, मुझे वहाँ एक हफ्ता रहना पड़ेगा। पता नहीं दिल्ली में आपकी देखभाल कौन करेगा। प्रिय चित्र, संविधान की रूपरेखा तैयार करने का मेरा काम काफी बढ़ गया है। दूसरी तरफ मेरी सेहत मुझे ज्यादा बोझ लेने से रोकती है। तुम्हारे सुझाव पर कि मैं अपनी सेहत की देखभाल के लिए किसी का आधार लूं, मैंने गौर किया है। मैंने डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करने का फैसला किया है। बाबा साहब, बापूजी को किसी ने गोली मार दी जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। दस्तखत कीजिए, उसके बाद मैडम करेंगे। अब मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूं। अभिनंदन डॉक्टर। राष्ट्रपति महोदय। सर,
मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में राज्य के कामों में व्यस्त रहे इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या दो सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके इसलिए आखिर में हुआ यूं के मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बीएन राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे ये प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को न हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। कांग्रेस के अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का, ये एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूही परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर अंबेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र, क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है, क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं, बताइए आप लोग? नहीं, कभी नहीं, हम खून बहा देंगे। एक गवार, ग्लेश और अछूत उन नियमों का भंग कर रहा है जो सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान मनु, भगवत गीता और अपने साधनों ने तय किए थे। छुओ मत, छुओ मत, अम्बेडकर, अम्बेडकर। प्रिय भावना, हर तरफ से हिंदू कोड बिल का तीव्र विरोध हो रहा है, और हाँ, बुद्ध की मूर्ति जो माडिगेलकर सिद्धार्थ कॉलेज के लिए बना रहे हैं वो अब लगभग पूरी हो चुकी है, और साथ ही बौद्ध धर्म अपनाने का मेरा निश्चय भी। मैं बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा हूं। जब मैंने दादा केडुस्कर लिखित बुद्ध चरित्र पढ़ा था, जो एक प्रसिद्ध लेखक और पिताजी के मित्र भी थे, उन्होंने यह किताब मुझे भेंट दी थी। जीवन भर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म अकेला धर्म है जो 3 सिद्धांतों की शिक्षा देता है,
प्रज्ञा, करुणा और समता। बौद्ध धर्म ही विश्व में शोषण का समाधान है। लोग आज किसी तरह बौद्ध धर्म को साम्यवाद के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर साम्यवाद का आधार जबरदस्ती है और बौद्ध धर्म का अहिंसा। बाबा साहब, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से। आप तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हो रहा है सदन के भीतर और बाहर भी। बेहतरीन इरादों के बावजूद भी ये इस सेशन में पास नहीं हो सकता। मैं आपकी नाउम्मीदी समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि शादी और तलाक वाले हिस्से भी आखिरकार टाल देने पड़े। मैं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ये। रत्तू, चलो डिक्टेशन लो। काफी समय से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहा था। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा नहीं, मुझे यह निर्णय लेने से रोक रखा था। लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया, तो मुझे सदन का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य नहीं दिखता। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाज के वर्गों के बीच और स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है, उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। को बचाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया बौद्ध धर्म स्वीकार करेगी। वो वचन दिया था कि समय आने पर मैं देश के हित में रास्ता चुनूंगा और मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करके देश को एक महान भेंट दे रहा हूँ। ये धर्म भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। लेकिन तब आप अछूतों के लिए मिले हुए आरक्षण और सुविधाओं से वंचित नहीं हो जाएंगे? क्या ब्राह्मण इन आरक्षणों के बदले में अछूत होने के लिए तैयार हैं? हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं आप? आप अपने बाप दादाओं से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? हमारी कोशिश अपने मूलभूत मानवाधिकार और आत्मसम्मान पाने की है। पर बुद्ध धर्म में क्यों? क्योंकि बुद्ध का धर्म नैतिकता और आचार नियमों पर आधारित है। इसमें कोई जाति प्रथा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म का सामाजिक उपदेश ही असमानता है, जबकि बुद्ध धर्म का उपदेश समानता है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक, बुद्धिसंगत और सदा समकालीन है। कोई कट्टरपन नहीं। वो चाहते हैं कि आपका सोचना और जीना विवेकपूर्ण हो। बुद्ध के अलावा दुनिया के सारे धर्म संस्थापकों ने अपने आप को मसीहा कहा। सिर्फ बुद्ध ही हमेशा मार्गदर्शक बनकर रहे। Yeah!
भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादयामि अधिनादाना वेरमणी सिक्खापदं समादयामि सुमिक्षाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादयामि सुरामेरया मज्जपमादथाना वेरमणी सिक्खापदं समादयामि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूँ और अछूत भी नहीं हूँ। मैं एक मुक्त मानव, एक आजाद इंसान, जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। और अब मेरे भाइयों और बहनों, जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए प्रकाश की तरफ मेरे साथ अनुसरण करना चाहे, वो खड़े होकर शरण त्रय दोहराए और मेरे साथ शपथ लें। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए दसों नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं सारे पशुओं के साथ करुणा का व्यवहार करूंगा। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। आज के बाद जो तीन सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। आज के बाद जो तीन सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। जो तीन शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सिखा पदं समाधियां